आज के वीडियो में मैंने शेयर किया है आपके किचन में मिलने वाले मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट जो कि आलू है। आलू हर घर में हर किचन में बहुत इजीली मिल जाता है, उसका हम करेंगे आज फेशियल। देखिए, फेशियल करते समय तीन बातों का हमेशा ध्यान रखें, तभी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वरना फिर रिजल्ट नहीं आता, सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे स्किन को सूट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखें आपके स्किन के टाइप क्या है, आपके स्किन के नीड क्या है और वेदर। तो ये तीनों पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कोई भी फेशियल को चूज करने से पहले। तो देखिए, अगर आपको बहुत डार्क स्किन है, बहुत दाग धब्बे हैं, तो देखो इसके लिए मैंने शेयर किया आज पोटैटो का फेशियल, जो कि आपको समर में करना है। समर के लिए पोटैटो फेशियल मैंने बेसिकली आज शेयर किया है। ये पोटैटो फेशियल ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। आपके स्किन चाहे जिस टोन की है, आपके लिए बेनिफिशियल। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे दाने वगैरह हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसको विंटर्स में नहीं करना है, समर में करना है। सबसे पहले आलू लेना है, जो आपके घर का आलू जो आप खाते हैं, वो आलू लेकर के आप उसको पील कर लीजिए, सारे कपड़े इसके निकाल देना है। निकालने के बाद जो अंदर का हमें ये चिकना चिकना गोरा गोरा सा मिलेगा, उसी का बेसिकली हम करेंगे फेशियल। देखिए, आलू में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे स्किन को ब्राइटन करती है, लाइटन करती है, हमारे दाग धब्बों को हटाती है, सन टैन रिमूव करती है, एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह आपके एब्जॉर्ब करती है, और साथ ही साथ आपके चेहरे को ग्लोइंग बनाती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है आपके चेहरे पे, स्किन वाइटनिंग का भी काम करती है ये आलू। तो आलू बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और रिजल्ट भी काफी जल्दी आता है, इफेक्टिव भी है आपके स्किन के लिए, सारे स्किन टोन के लिए बहुत सुटेबल है, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन। और इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, जो हमारे स्किन पे एज अ स्किन वाइटनिंग का भी काम करती है। तो देखिए, हमें क्या करना है, आलू के सारे कपड़े निकाल लिए हमने, उसके बाद हमें इसको छोटे टुकड़ों में कट करके हमें इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हमें इसके पेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और हमें इसकी जूस की भी जरूरत होगी। आलू का थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए, वो फेशियल के दौरान काम आने वाला है। हमें यहाँ पे आलू का पेस्ट और आलू की जूस दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, हमने पेस्ट सब बना लिया, अब चलेंगे हम फर्स्ट स्टेप जो कि है हमारा क्लिंजर। क्लिंजर हम बनाएंगे। क्लिंजर बनाने के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है पोटैटो के जूस का, यानी आलू के जूस को इस तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया था, उसके बाद प्रेस करके इसका सारा जूस निकालेंगे। जैसे भी आपको तरीका समझ में आता है अपने तरीके से, बस इसका आलू का जूस हमें लेना एक चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। देखिए, समर में अगर कर रहे हैं तो गुलाब जल ऐड करिए, विंटर्स में कर रहे हैं तो इसमें मिल्क डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हमारा क्लिंजर तैयार हो गया है। अब हम पूरे क्लीन चेहरे पे क्लिंजर को अप्लाई करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से हल्के हल्के मसाज देके इसको छोड़ देंगे। इस फेशियल को हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करना चाहिए अगर आपकी डार्क स्किन है तो। नेक्स्ट स्टेप है पोटैटो स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है बेसन का, आप चाहे तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच बेसन में मैंने 1 चम्मच ब्राउन शुगर ऐड किया है, चाहे तो घर का शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पोटैटो का पेस्ट बनाया था, आलू का पेस्ट, उसको उसमें 1 चम्मच डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना, जो आपके चेहरे पे इजिली अप्लाई हो जाए और इससे आप स्क्रब कर लें। बस आपको इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, बस पेस्ट का इस्तेमाल करके ही फेस पैक इसको बनाना है स्क्रब को। तो अपने पूरे चेहरे पे इसको अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट स्टेप को बिना वॉश किए ही पूरे चेहरे पे लगा के अच्छे से हल्के हाथों से जहाँ जहाँ पे आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या डेड स्किन है, उस जगह पे जैसे कि लिप के नीचे, नोज पे अच्छे से स्क्रब करना है, ताकि सारे आपकी जो डेड स्किन है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड से निकल जाए। अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर चलेंगे थर्ड स्टेप में पोटैटो मसाजर। उसके लिए हमें यहाँ चाहिए एलोवेरा जेल, इतना लेना है कि आपके चेहरे पे अच्छे से हो जाए, किसी ब्रांड का एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए विटामिन ई की कैप्सूल, मैंने यहाँ पे 1 कैप्सूल इसमें डाल दिया है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, रोगन बादाम का। जितना हमने विटामिन ई कैप्सूल डाला था, उससे डबल हमें रोगन बादाम डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी कितना डालना है, जितना कि हमने रोगन बादाम दिया था, सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद आखिरी में आपको इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू का पेस्ट 1 चम्मच। डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स दोबारा से कर लेना है। उसके बाद एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर बना लेना है। उसके बाद इसी पोटैटो सीरम को आपको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है और मसाज करना है। मसाजिंग टेक्निक से फेशियल मसाज किया जाता है, उसी टेक्निक से पूरे चेहरे पे कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको कंटिन्यू मसाज करेंगे, काफी अच्छा ग्लो आता है। जितने भी आपके ये सीरम है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है आपके स्किन में और काफी अच्छा ग्लो भी आपके स्किन को ये देता है। इस सीरम को आप सेपरेटली भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार। नेक्स्ट स्टेप है पोटैटो फेस पैक के फेस मास्क। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योलिन क्ले पाउडर और मुल्तानी मिट्टी, दोनों का ही बेसिकली मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके ये पोटैटो फेस पैक बनाया है। तो मैंने 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया है और 1 चम्मच क्योलिन क्ले पाउडर। जितना आप क्योलिन क्ले पाउडर लेंगे उसका हाफ हमें मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा रोज वाटर 1/2 या 1 चम्मच, उसके बाद मिक्स करेंगे। फिर हमें ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था पोटैटो का, उसको डाल के अच्छे से मिक्स करके बना लेंगे इसका पेस्ट। इस फेस पैक को एज इट इज बनाना है और ऐसे ही इसको लगाना है। इसमें
कुछ भी और मत ऐड करिए। फिर मैंने इसमें ना पानी ऐड किया ना ही कोई और इंग्रेडिएंट। ये फेस पैक आपके चेहरे पे टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्किन, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपके चेहरे पे काफी अच्छा ग्लो देगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब आपने सीरम लगाया था उसी के ऊपर आपको इस फेस पैक को लगा लेना है। लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाए अच्छे से तो इसको नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर दीजिए। और वॉश करने के बाद काफी चेहरा क्लीन लगता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हाइड्रेट लगता है और काफी सॉफ्ट और बहुत ब्यूटीफुल सी स्किन आपको आपको देखने को मालूम देगी। तो वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सभी के साथ, और ऐसा कोई और फेशियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते, बाय बाय, टेक केयर।